start that as well. Cool. So we are starting with November 23 paper B. Okay. So question one here is hotel room prices in Mumbai normally distributed mean 5400, standard deviation 900, Kolkata mean 3600, SD 1500. Probability that a hotel room price in Mumbai is at least twice the price in Kolkata, jabki dono independent and normal hai. Theek hai, chalo dekhte hai, aar pe aate hai. So we are at what, November 23, question 1, part 1. We've been given x dot mean, unhone kaha x dot mean, x dot sd, aise karke sab kuch pehle store kar lo. To unki baat maan lete hai, pehle wo sab kuch store kar lete hai. Chalo, let's store everything. And kya kya hai, dekho, x dot mean kya hai, x apna Mumbai hai, y apna Kolkata hai. Aise le lete hai, x kya hai, 5400 and 900, right? 5400 and 900, y dot mean kya hai, 3600 and 1500, 3600 and 1500. Chalo, humne apne sare x and y store kar li, x follows x mean sd and y follows normal y mean sd square. Chalo, ye apne ko pata hai, ab apne ko nikalne ko kya kya hai, probability of x is at least twice the price in Calcutta. To x kya nikalna hai, x and y ke terms mein mujhe probability nikalo, batao kya nikalna hai. X what? X minus y kya ya x greater than y x? What? बताओ क्या होगा? Tell me quickly. क्या निकालना है अपने को? Probability of x what? Price in Mumbai that is x is at least twice the price in Kolkata. मतलब at least twice of y. X is at least twice of y. ये निकालना है ना? तो क्या हुआ? Probability of x greater than twice of y हुआ ना? आया ना बताओ? Right? चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस टू वाई ग्रेटर देन जीरो निकालना है ना. अब एक एक करके करेंगे. देखो पहले x का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को पता है, x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है x मीन और x एस डी के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. टू वाई का दिक्कत है. टू वाई क्या फॉलो करता है बताओ? नॉर्मल क्या फॉलो करेगा? मीन तो टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा. एस डी किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ? बताइए. जब आप कोई भी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स को, मीन उस टर्म से मल्टीप्लाई होगा. वेरिएंस किस टर्म से मल्टीप्लाई होगा? उसके स्क्वायर से. उसके स्क्वायर से. तो अब क्या होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा वाई डॉट मीन कॉमा फोर इंटू वाई डॉट एस डी स्क्वायर, है ना? ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक है. और फिर एक्स माइनस टू वाई क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा बताओ? एक्स माइनस टू वाई विल फॉलो नॉर्मल ऑफ वॉट? एक्स मीन माइनस वाई मीन, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना? एक्स डॉट मीन माइनस वाई डॉट मीन. और वेरियंसेस का क्या होता है बताओ? वेरियंसेस ऐड हो जाते हैं ना, राइट? तो वेरियंसेस मेरे ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? एक्स डॉट एस डी स्क्वायर, एक्स डॉट एस डी का स्क्वायर. तो क्योंकि वेरियंस ऐड हो रहे हैं, और दूसरा फोर इंटू वाई डॉट एस डी का स्क्वायर. बताओ ये क्लियर है क्या सबको? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए. हाँ हर्ष बताओ. हैव यू पुट इट ऑन द चार्ट? सर आई डिडंट अंडरस्टैंड वेरिएंस पार्ट ऑफ 2y. अच्छा देखो अब इसमें क्या है ना, देखो y फॉलोज, अगर अपने को एक चीज याद रखो, अगर y फॉलोज समथिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉरी y फॉलोज अपने को दे रखा है नॉर्मल है y डॉट मीन कॉमा y डॉट एस डी स्क्वायर, है ना? ये अपने को दे रखा है. अपने को निकालना है x माइनस टू वाई, तो पहले 2y निकालते हैं. 2y में क्या होगा, जब भी कोई एक कॉन्स्टेंट टर्म अपने रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें दो चीज होते हैं. जो मीन होता है वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है उस कॉन्स्टेंट टर्म से, ठीक है? तो y डॉट मीन था वो एज इट इज ट्वाइस से मल्टीप्लाई होकर 2 इंटू वाई डॉट मीन बन गया, ठीक है? वेरियंस उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो 2 था, 2 का स्क्वायर मतलब 4 से मल्टीप्लाई होके नया वेरिएंस आएगा, तो वेरिएंस हो गया 4 इनटू y डॉट sd का स्क्वायर, ठीक है? सो द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2y इज व्हाट? 2y फॉलोज नॉर्मल 2 इनटू y डॉट मीन कॉमा 4 इनटू y डॉट sd स्क्वायर. क्लियर है? बताइए. टेल मी इज दिस क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चंस? या परफेक्ट कूल. If this is clear, now we know the distribution. All we need to do is find out that this probability is greater than zero. Tell me what function do you use to find this probability?
Tell me guys, what function do we use? Normal distribution ही है ना, normal distribution का greater than probability निकालना है, तो कौन सा function use करोगे? बताओ. Pnorm. Pnorm, right? DPQR, ये तीन चार अक्षर याद रखना है ना. तो अपना ये हो जाएगा zero. Mean अपने को पता है, x dot mean minus twice into y dot mean, right? करेक्ट. एंड एस टी, अब देखो एस टी में स्क्वायर रूट ले लेना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आप अपने ये वाला पूरा चीज लिखेंगे, एक्स डॉट एस टी स्क्वायर प्लस फोर इंटू वाई डॉट एस डी स्क्वायर, ऊपर लिख रखा है बस उसको कॉपी आउट कर लो चाहे, ठीक है. और लोअर टेल हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ग्रेटर देन प्रॉबिलिटी निकाल रहे हैं, लेस देन भी रखोगे बात एक ही है, ठीक है. एक्चुअली बात एक होगी क्या? नहीं होगी, बात एक नहीं होगी. The thing will not be the same because it has been changed. क्या हुआ? कुछ तो गलत है. Square root of y mean plus y dot st. I've made some mistake. ठीक है. देख लो कोई भी दिक्कत दिख रही है तो. देख लो, ये आएगा आपका आंसर ग्रेटर देन जीरो का. ओके, इज दिस कूल? एनी क्वेश्चंस गाइस? ठीक है. इन पार्ट टू दे आर सेइंग शो दैट द पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफरेंसेस इन होटल प्राइसेस बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता. तो पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ व्हाट रैंडम वेरिएबल? बताओ कि किस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं ये? टेल मी गाइस, व्हाट रैंडम वेरिएबल आर दे टॉकिंग अबाउट इन पार्ट टू का ए? डिफरेंसेस इन होटल प्राइस बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता, व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल? एक्स डिनोट्स द होटल प्राइसेस इन मुंबई, वाई डिनोट्स द होटल प्राइसेस इन कोलकाता. अगर मैं कह रहा हूँ आई नीड टू फाइंड अ रैंडम वेरिएबल विच टॉक्स अबाउट द डिफरेंसेस इन द होटल प्राइस बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता, व्हाट इज दैट रैंडम वेरिएबल? टेल मी. बताओ क्या होगा? वे आर वी स्ट्रगलिंग गाइस? टेल मी. वॉन्ट इट बी एक्स माइनस वाई? इतना ही तो है ना, होटल प्राइसेस इन मुंबई माइनस होटल प्राइसेस इन कोलकाता, है ना. एक्स डिनोट्स होटल प्राइसेस इन मुंबई एंड वाई डिनोट्स होटल प्राइसेस इन कोलकाता. तो एक्स माइनस वाई स्टडी कर रहे हैं, तो बस अभी एक्स माइनस वाई के लिए म्यू और वेरिएंस निकालना है. पहले एक्स माइनस टू वाई के लिए निकाला था, अभी एक्स माइनस वाई के लिए निकालना है. तो एक्स माइनस वाई इज इवन सिंपलर, राइट? एक्स माइनस वाई क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल में एक्स मीन माइनस जस्ट वाई मीन होगा, राइट? ट्वाइस ऑफ वाई मीन नहीं होगा, करेक्ट. एंड वेरियंस में दोनों का स्क्वायर हो, दोनों का सम अप हो जाएगा एस डी का. यू वॉन्ट हैव दैट फोर इन टू टर्म एनी मोर, राइट? सो इट्स एज सिंपल एज दिस, राइट? सो इफ आई वर टू टॉक अबाउट द म्यू और से एक्स मीन वाई, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ म्यू मीन, ठीक है, इज वॉट दोनों का मीन. तो एक्स डॉट मीन प्लस वाई डॉट मीन, राइट? सॉरी, y माइनस होगा ना, माइनस y डॉट मीन, राइट? तो ये आ गया 1800. एंड सिमिलरली x माइनस y का डॉट स्टैंडर्ड डिविएशन का है कि वेरियंस का है, देख लेते हैं क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन का है. तो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा जो हमने ऊपर लिखा है. तो स्क्वायर रूट ऑफ x डॉट एस डी स्क्वायर प्लस y डॉट एस डी स्क्वायर. इज दिस क्लियर गाइस? टेल मी. देख लो, तो एग्जैक्टली हमने वो दोनों दिखा दिया. एनी क्वेश्चन सो फार? कोई भी दिक्कत? देन दे आर सेइंग जनरेट अ सैंपल साइज ऑफ 50 फॉर द डिफरेंसेस इन होटल प्राइस. तो हमने अभी ये जो एक्स मीन वाई का मीन और एक्स मीन वाई का डॉट एस टी निकाला है, उसके बेसिस में वी नीड टू जनरेट 50 का सैंपल साइज. कौन सा फंक्शन यूज करोगे बताओ?
अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिमुलेशन जनरेट करना है। हाँ हर्ष बताइए। एस टी को ऐड नहीं कर सकते मतलब? नो यू कांट कॉल एक्स डॉट एस टी एंड वाई डॉट एस टी टू बी द एस टी ऑफ एक्स माइनस वाई, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वेरियंसेस एडअप होते हैं और वेरियंसेस स्क्वायर टर्म्स होते हैं, तो वेरियंसेस को ऐड करके उनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यू कांट डायरेक्ट स्ट्रेट अवे ऐड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है राइट अंशुमन, विल यूज आर नॉर्म। सो आई एल जस्ट मूव टू पार्ट बी। एस वन मैं यूज करूंगा सैम्पल के लिए आर नॉर्म। उन्होंने कोई सेट डॉट सीट बोला है क्या क्वेश्चन में? एक बार देखो बताइए मुझे देख के, क्या उन्होंने कोई क्वेश्चन क्वेश्चन में सेट डॉट सीट कहा है क्या? यूजुअली कहते हैं यस थ्री क्या कहा फोर है? 1 2 3 4 कहा है। चलो 1 2 3 4 कह देते हैं, देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन में भी क्या कहा है। बिफोर जनरेटिंग द सैंपल्स स्टोर द सैंपल। अच्छा दे हैव गिवन द नेम इन विच द सैम्पल इज टू बी स्टोर्ड, डिफ डॉट सैम्पल। तो अपने वही बनाएंगे फिर। चलो सेट डॉट सीड इज 1 2 3 4 एंड आई एम स्टोरिंग द सैम्पल। कूल स्टोर द सैम्पल। नाउ वॉट दे आर सेइंग, ड्रॉ क्यू क्यू प्लॉट एंड क्यू क्यू लाइन फॉर द सैम्पल जनरेटेड एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। तो नॉर्मल जब फॉलो करता है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं क्यू क्यू प्लॉट क्यू क्यू लाइन ड्रॉ करने के लिए? क्यू क्यों नॉन क्यू नॉर्म। और फिर कौन सा उस पे लाइन लाने के लिए कौन सा क्यों यूज लाइन करते हैं? क्यू क्यू लाइन। परफेक्ट। क्यू क्यू नॉर्म ऑफ डिफ डॉट सैम्पल एंड क्यू क्यू लाइन ऑफ डिफ डॉट सैम्पल। आप चाहो तो इसको थोड़ा लाइन को कलर दे के मेक इट मोर विजिबल एज वेल, या मे बी एल डब्ल्यू डी इक्वल्स टू एज वेल, देन द लाइन बिकम्स मोर विजिबल एंड यू योर एनालिसिस बिकम्स मोर यूजफुल। टेल मी व्हाट डू यू कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस? बताओ बताओ क्या सर देयर सीम्स टू बी अ लंप ऑन दी अपर एंड। सीम्स टू बी अ लंप एट द अपर एंड राइट। व्हाट एल्स? एक एक काम करते हैं, देखो एक एक करके करेंगे ठीक है। पहले मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अपर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इन द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देयर सीम्स टू बी अ लंप हियर एज वेल राइट। देखो यहाँ पे इट डेविएट्स फ्रॉम इट, बट अपार्ट फ्रॉम इट 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 सीम्स क्लोजर इन द मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज कम्पेयर टू द टेल्स। इन द टेल्स we can clearly see in both the lower tail and the upper tail the sample quantiles and theoretical quantiles are away from each other right. In the upper tail the sample quantiles are above the theoretical quantiles, in the lower tail below the theoretical quantiles right. So there is quite some volatility or variability when it comes to the sample quantiles as compared to the theoretical quantiles. Tell me yes or no, can I say that right? Tell me guys, does that seem good? So when a QQ plot question comes, try to split the graph into various sections, right? Middle of the distribution, lower tail, upper tail, right? Take each of them in isolation, try to compare each of them, yeah? Once you've compared each of them, you give a whole overview. Ki overall kaisa lag raha hai, na? Yahan pe overall middle mein bhi problem hai, dono tails mein bhi problem hai. So there's a problem everywhere, right? Yes or no? Tell me guys, कोई भी दिक्कत इसमें? चलो दैट केस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट व्हाट? द नेक्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट टेस्ट यूजिंग 5% सिग्निफिकेंस लेवल वेदर द मीन ऑफ डिफरेंस इन होटल प्राइसेस इज लेस देन 1375 बेस्ड ऑन द सैंपल जनरेटेड इन पार्ट टू। तो आपको म्यू वन माइनस म्यू टू लेस देन 1375, तो इक्वल टू 1375 वर्सेज लेस देन 1375 का आपको टेस्ट परफॉर्म करना है। तो जब भी ऐसा टेस्ट हो एच नॉट एच वन जरूर लिख लो पहले, ठीक है? इट इज अ गुड थिंग टू राइट योर एच नॉट एंड एच वन, परफॉर्म द टेस्ट एंड देन कंक्लूड ऑन इट। अब द गुड थिंग हियर इज यू नो वॉट यू नो ऑल योर सैम्पल साइज राइट, यू नो योर पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, तो सिग्मा पता है ना? तो यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड राइट। तो आपके लिए परफॉर्म करना ईजियर है राइट? यस और नो, टेल मी एनी क्वेश्चंस हियर। तो देखो जब ऐसा हो और दिख रहा है कि 5 मार्क इन्होंने अलॉट किया, इट्स गुड टू राइट एच नॉट एंड एच वन, ठीक
ठीक है, कभी कभी एच नॉट एंड एच वन के लिए भी रहता है. तो क्या है, म्यू एक्स माइनस म्यू वाई इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 1375, दैट इज आर एच नॉट, राइट. दैट इज आर नल हाइपोथेसिस एंड आर alternative hypothesis and mu x minus mu y is less than 1375, correct. तो अपना है lower tail test, cool. अब अगर आपको perform z test and comment, z test perform करना है, z test मतलब population variance is unknown और t test मतलब part b में population variance is not known, तो t test हो जाता है, ठीक है. दोनों में comment करना है. z test के लिए r में कोई inbuilt function नहीं है, टी टेस्ट के लिए आर पे इनबिल्ट फंक्शन है, आप डायरेक्टली टी डॉट टेस्ट यूज कर सकते हो, है ना. तो एक एक करके दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं. टेस्ट टेस्ट के लिए पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालो, बताओ टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, टेल मी गाइस, यू ऑल विल टेल मी द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर दिस रिजल्ट, फॉर दिस थिंग, टेल मी. Tell me guys. Sir, x bar minus mu upon sigma by root n follows normal 0, 1. Perfect. चलो तो x bar पहले निकाल लेते हैं ना. x bar क्या है यहाँ पे, mean of अपना diff of sample का, ठीक है. तो वो हो गया अपना x bar. चलो तो x bar minus mu, mu क्या है यहाँ पे 1375, जो hypothesis में null hypothesis में mu होता है, ठीक है, by sigma by root n. सिग्मा क्या है यहाँ पे, सर डोंट नो, सिग्मा तो पता है ना, देखो हमने निकाला है ना यहाँ पे x min y dot sd, है ना. यस सर. तो x min y dot sd डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑन एयर, राइट, बताओ. हाँ या ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 51, 50 हम हमारा n है, तो ये आ गया टेस्ट स्टैटिस्टिक, देखो, ठीक है. अब आपको अब लोअर टेल टेस्ट करना है ना, आप या तो पी वैल्यू निकाल सकते हो या फिर 5% पे लोअर टेल पूरा 5% पे आप लेस देन क्वांटाइल निकाल सकते हो. तो द टू थिंग्स दैट यू कैन डू इज लेस देन टेस्ट है तो लोअर टेल टेस्ट के लिए टीएस ऐसे ही निकालोगे, बस पी नॉर्म ऑफ टीएस 6% आ रहा है, ग्रेटर देन 5% एक्सेप्टेंस रीजन है ना, इनसफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हेंस इट इज नॉट लेस देन 1375, या तो वो कर सकते हो या फिर Q norm of 0.05, right? तो आपको 5% पे quantile value मिल जाएगी, -1.64. अब -1.48 कहाँ है, to the right of -1.64 है, मतलब acceptance region है. तो आप उस तरीके से भी इस test को do not have sufficient evidence to reject बोल सकते हो. तो दो both ways work, whatever you feel more comfortable in, you can perform that test and take out the value. ठीक है, आपको बस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या है, मैं सजेस्ट करूंगा पी वैल्यू करो, पी वैल्यू इज यूजुअली मोर अलाइंड विद द एग्जामिनर्स रिपोर्ट. ओके चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. टी टेस्ट कौन सा फंक्शन यूज करोगे इसके लिए, डायरेक्ट आर में एक फंक्शन है इसको परफॉर्म करने के लिए जब पॉपुलेशन वेरियंस अननोन होता है, क्या फंक्शन है बताइए. टी डॉट टेस्ट. परफेक्ट, टी डॉट टेस्ट में डायरेक्टली अपना सैंपल देंगे, टी डॉट टेस्ट में डायरेक्टली डिफ डॉट सैंपल देंगे, है ना, अपना पूरा टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा. बट बाय डिफॉल्ट टू साइडेड टेस्ट होता है, म्यू जीरो होता है ना, तो अपने को वो सारी चीजें चेंज करनी होंगी. देखो ऑल्टरनेटिव क्या होगा, लेस हो जाएगा, राइट, ऑल्टरनेटिव विल बिकम लेस क्योंकि वी हैव अ लेस देन टेस्ट, लेस देन 1375 कर रहे हैं, है ना, बताओ हाँ कि ना, yes or no guys. And what is one more argument that we'll use here, tell me. देख लो अच्छे से, चाहो तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, एक और आर्ग्यूमेंट यूज करोगे. एक ऑल्टरनेटिव मैंने कह दिया लेस देन टेस्ट है क्योंकि तो लेस देन कर रहे हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा आप लोग बताओ. Tell me.
सर वाई सॉरी वाई क्यों, वाई तो टू सैंपल तो है ही नहीं ना, सिंगल सैंपल, हमने सारे डिफरेंसेस को एक ही सैंपल में स्टोर किया, तो अपने को क्या चाहिए, हाइपोथेसाइज वैल्यू ऑफ जो म्यू है वो यहाँ पे 1375 है ना, वो चेंज करेंगे तो म्यू इक्वल्स 1375 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका देखो टी टेस्ट इस केस में लेस देन 5% आया है, तो एट 5% कॉन्फिडेंस यू आर सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हेंस टी टेस्ट के हिसाब से यू कैन इम्प्लाई दैट योर पॉपुलेशन मीन और द डिफरेंस इन द मीन्स इज लेस देन 1375। कूल, एनी क्वेश्चंस, टेल मी, कोई भी दिक्कत। चलो यहाँ पे आते हैं, फिर जनरेट अनदर सैंपल ऑफ दिस थिंग, ये सैंपल डिफ डॉट सैंपल का, एंड स्टोर इट इन डिफ डॉट सैंपल टू, इस बार साइज 1000 है, ठीक है, तो वही सेम चीज यूज करेंगे, सेम कोड यूज करेंगे, बस एन को 1000 बना देंगे, है ना। तो डिफ डॉट सैंपल टू मैंने क्वेश्चन पेपर से कॉपी कर लिया, आर नॉम में ऊपर से कॉपी कर लूंगा, ये हो गया आर नॉम यहाँ से आ गया, ठीक है, और इस बार 50 की तरह जगह 1000 आ जाएगा। कूल, पार्ट बी में कह रहे हैं क्यू क्यू लाइन और क्यू क्यू प्लॉट, कमेंट ऑन द रिजल्ट्स। चलो क्यू क्यू लाइन और क्यू क्यू प्लॉट भी कॉपी कर लेते हैं और बस कमेंट करना है रिजल्ट्स पे, तो देखेंगे कि मेन में क्या दिखाना चाहते हैं कि आपका क्यू क्यू प्लॉट और क्यू क्यू नॉर्म के क्यू क्यू प्लॉट जो होता है, हाउ डज इट चेंज व्हेन योर सैम्पल साइज इंक्रीजेस। सैम्पल साइज उन्होंने क्या किया, 50 से 100 लेके गए, अभी दिखाएंगे कि कैसे आपका सैम्पल साइज बढ़ने से इट इज चेंजिंग। नाउ वन गुड थिंग टू डू हियर विल बी टू अगेन रन सेट डॉट सीट बिफोर दिस, बट अगर आप नहीं भी रन करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार सेट डॉट सीट वापस रन कर देना, बट ऐसे देखा जाए कोई जरूरत नहीं, अगर आप शुरू से एंड तक वापस पूरा रन करोगे तो उनका और आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। दिस इज हाउ योर नॉर्म शुड लुक लाइक, क्यू क्यू नॉर्म। बताओ इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, हमने पहले क्यू क्यू नॉर्म और क्यू क्यू लाइन किया था, है ना, और ये अभी किया, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है बताइए। टेल मी गाइस, सर द मिडल पोर्शन इज मच क्लोजर देन बिफोर, राइट, इन द मिडल पोर्शन नाउ द सैंपल क्वांटाइल्स आर ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग द वर्टिकल क्वांटाइल्स, इवन इन द लोअर एंड द अपर क्वांटाइल्स इट्स क्लोजर, स्टिल सम डेविएशन, बट वी हैव सीन दैट एज द नंबर ऑफ सिमुलेशंस हैव इंक्रीज्ड द क्वांटाइल्स आर गेटिंग क्लोजर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, और द सैंपल इज लुकिंग क्लोजर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस क्लियर, एनी क्वेश्चंस, कोई भी दिक्कत बताओ। कूल, चलो इफ दिस इज ऑल गुड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन बस इतना ही था, सो वी हैव डन 26 मार्क्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, लेट्स हैव अ क्विक लुक, वी हैव 4 क्वेश्चंस टू कवर, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लुक्स लाइक व्हाट, लुक्स लाइक लीनियर रिग्रेशन, राइट, लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, उसके बाद काउंट है, कुछ कोरिलेशन करवा रहे हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, चलो कर लेते हैं क्विकली। देन क्वेश्चन 3 इज GLMs, looks like GLM but aur kuch bhi ho raha hai usme, and then finally we have EBCT, perfect, chalo ek ek karke karte hain। question 2 mein kya hai, question 2 mein they are saying you are a research analyst working on a short term assignment, your professor provided dance data, dance.csv containing scores of 20 students of a famous dance show and asked you to perform the following tasks using read.csv, load the data and use head command to view the first few rows of the data, no need to paste the output of the head command। चलो सबसे पहले तो अपने को ये read.csv करके इन्होंने जो dance.csv का फाइल दिया ना वो इम्पोर्ट करना है, चलो लेट्स डू दैट क्विकली। आई हैव टू आई थिंक अनजिप द फाइल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सॉरी, टू डांस डॉट डांस डेटा करके है, ओके, चलो kept it in my working directory,
I have not. Chalo, control shift plus N. On to question 2, part 1, read.csv use karna hai, to aap import data set bhi use kar sakte ho. From text nahi karke, main from text hi rakhunga, but I'll use that documents mein. Dance data, okay. Dekho, ye raha dance data, inhone koi particular data frame mein load karne ko kaha hai kya, ye dekh lo. Kuch aisa nahi kaha hai, to main dance.data hi rehne dunga, ya I'll just simply keep it dance, yeah. And everything else is, you will just have a look at the preview. It looks good. If it looks good, dekho, inhone bhi read.csv use kiya hai, to aap same cheez upar bhi copy kar sakte ho. Unhone kaha head of dance karke dikha do ki first ke first few rows kaise dikh rahe hain. I'll just do a head of dance and I'll get this first 5 or 6 rows in the data frame. Jisme teen column hai, ek judges ka, ek audience ka aur ek final ka. Kya significance hai? Chalo padhte hai question mein aake. Judge ka, it indicates the score provided by judges. Audience ka, it indicates the sum of scores provided by the audience. And final, it indicates the final score of the contestant. So, teen type ke score hai, matlab do type ke score hai main mein to judges aur audience ke, aur un dono ko use karke shayad final ka score nikala gaya hoga. So, you have three different scores, three different kinds of scores, right? Now, now what are they saying? Plot a scatter plot for each pair of data. Make sure to paste the scatter plot in your answer script. Kaun sa function use karte ho? Each pair ko plot karne ke liye kaun sa function use karoge batao? Tell me guys. Humne do function use kiye ye same cheez karne ke liye ki each pairs of data ko ek plot mein lane ke liye, ek single plot mein lane ke liye दो फंक्शन यूज किया. बताओ वो दो फंक्शन कौन से हैं? Tell me guys. चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है. विल ब्रेक आफ्टर, मतलब विल क्लोज द क्लास आफ्टर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन टू कर लेते हैं. बताओ व्हाट फंक्शन डू वी यूज? टेल मी गाइस क्विकली. देखो दो फंक्शन होते थे, एक प्लॉट और एक पेयर्स, है ना गाइस? अ क्विक वॉइस चेक, एम आई ऑडिबल? कैन यू ऑल जस्ट टेल मी व्हेदर आई एम ऑडिबल और नॉट? आई एम ऑडिबल ना. चलो परफेक्ट. दो फंक्शन होते थे, एक होता था प्लॉट, एक होता था पेयर्स, राइट? पेयर्स क्या हेल्प करता था? पेयर्स अगर आपको आपके विंडोज को रीनेम करना है तो वो भी कर सकते हो आप उसको यूज करके. बट यहाँ पे वो करने की कोई खास जरूरत दिख नहीं रही है. तो प्लॉट ऑफ डांस करोगे तो आपको डायरेक्ट अपने सारे मिल जाएंगे, है ना? अब अच्छा, अब इन सारे ग्राफ्स को देख के उन्होंने नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, कमेंट करो क्या रिलेशनशिप लग रहा है. यूजिंग द स्कैटर प्लॉट टू पार्ट टू, कमेंट ऑन द लीनियर, ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ डेटा, नॉट द लीनियर रिलेशनशिप एज सच. तो देखो तीन पेयर्स है, तो दो तीन डेटा है, तो दो पेयर्स हुए, है ना? एक जज ऑडियंस, एक ऑडियंस फाइनल, एक जज फाइनल. तो आप तीनों पे मतलब कमेंट कर सकते हो करने के लिए. यहाँ पे केवल एक पेयर मुझे दिख रहा है, बहुत ही एविडेंट है, जिसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है. बताओ वो दोनों कौन से हैं? सर फाइनल एंड ऑडियंस. नहीं देखो, फाइनल और जज ना. यस सर, यस सर. देखो ये वाला विंडो देखो, फाइनल और जज. स्ट्रांग पॉजिटिव. हां स्ट्रांग पॉजिटिव में बोलेंगे, दे सीम टू हैव अ लीनियर रिलेशनशिप एंड समवॉट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप आप कह सकते हो, है ना? यस, बट क्या जज और ऑडियंस और ऑडियंस और फाइनल में कुछ लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा है इन दोनों विंडो में? सर फाइनल और जज में भी तो बोल सकते हैं. फाइनल और जज में ही दिख रहा है, फाइनल और जज में दिख रहा है, बट जज और ऑडियंस और ऑडियंस और फाइनल में कुछ दिख रहा है? नो सर. नहीं, तो ये लिखेंगे कि दे डोंट सीम टू हैव एनी लीनियर रिलेशनशिप बिकॉज द प्लॉट इज क्वाइट स्कैटर्ड. ओके, इज दिस क्लियर? कोई भी दिक्कत तो हर पेयर के बारे में कमेंट करेंगे जिसमें अपने को लीनियर लग रहा है उसके बारे में लिख लेंगे, दे सीम टू हैव अ लीनियर रिलेशनशिप. जिसमें नहीं लग रहा है उसमें वीक लीनियर रिलेशनशिप बोल के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. पार्ट 4 में क्या है? फिट अ मल्टीपल लीनियर रिलेशनशिप मॉडल विद फाइनल स्कोर एज रिस्पॉन्स, जज एंड ऑडियंस इज एक्सप्लेनेटरी. तो दोनों को करना है. इंस्टॉल द मॉडल इन M1, शो द समरी ऑफ द आउटपुट एंड ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द फिटेड मॉडल, कंप्यूटर कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ ऑल पैरामीटर्स,
comment on the significance of each explanatory variable, either referring to above confidence interval or other statistics. ठीक है, तो यहाँ पे they have given you what 10-12 marks, जहाँ पे simple linear regression का बस analysis है जो हमने अपने exercises में कर रखा है. There is nothing new as such, है ना? और ऊपर का साथ 9 mark भी मतलब normal data analysis ही था, nothing new. तो 20-21 mark आपको अच्छे से यहाँ पे इन्होंने मतलब अगर आप अच्छे से विदाउट एनी अनफोर्स्ड एरर्स करोगे आपको मिल जाएंगे, राइट? चलो M1 बनाते हैं. LM क्या है आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल, देखो फाइनल है मेरे ख्याल से, है ना? तो फाइनल फॉलोज स्विगल साइन, फिर दोनों अपने एक एक करके करेंगे. जज JUDGE नहीं जजेस है, JUDGES प्लस ऑडियंस, राइट? फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज है, डेटा इक्वल्स डांस, राइट? और कुछ करने की जरूरत नहीं है. LM है, GLM होता तो फैमिली लिखने की जरूरत पड़ती, ठीक है? तो M1 कुछ ऐसा दिख रहा है, इन्होंने अभी कहा है जस्ट स्टोर द मॉडल, और कुछ करने को नहीं कहा, हमने स्टोर कर दिया. पार्ट बी में कहा है शो द समरी एंड ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द फिटेड मॉडल, दोनों चीज करना है. इक्वेशन ऑफ द फिटेड मॉडल भी करना है, मतलब वाई इक्वल्स दिस इक्वल्स दैट ऐसे करके लिखना है ना? चलो तो पार्ट बी में आएंगे तो क्या करेंगे, समरी ऑफ M1, राइट? अब देखो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट सारे मिल गए, इंटरसेप्ट, जज का और इसका. तो चलो एक एक करके अपने यूज करके अपने y इक्वल्स लिख लेते हैं. y क्या है यहाँ पे, फाइनल स्कोर. तो फाइनल स्कोर इज इक्वल टू व्हाट, इंटरसेप्ट टू 10.617827 प्लस 0.720273 प्लस यहाँ पे इनटू क्या है ये, इनटू जजेस प्लस ऑडियंस के लिए क्या है 0.001449 इनटू ऑडियंस, है ना? ये हो गया अपना फिटेड लाइन, ठीक है? हमने फिटेड लाइन निकाल लिया. फिटेड लाइन ये था. पार्ट सी में क्या कह रहे हैं, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल पैरामीटर्स. कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? देखो दो फंक्शन होते हैं कॉन्फिडेंस निकालने के लिए, एक y के लिए होते हैं, एक पैरामीटर्स के लिए होते हैं. कॉन्फिडेंट एंड प्रेडिक्ट. कॉन्फिडेंट होता है पैरामीटर्स के लिए, प्रेडिक्ट होता है वाई के लिए, करेक्ट? तो यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंट यूज करेंगे, सारे पैरामीटर्स के लिए निकालने हैं. तो 1, 2, 3 पैराम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लेवल लिख दो. कुछ कहा है किस परसेंटाइल पे, नहीं परसेंटेज लिखा है, बाय डिफॉल्ट 95% जो है वही निकालेंगे, ठीक है? तो बस कॉन्फिडेंट ऑफ M1 लिखना है, आपके तीनों कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गए. बेटर ये रहेगा आप निकाल के लिख दो, ठीक है? 3 mark का क्वेश्चन है, अपने को नहीं पता कि एग्जामिनर इसमें खुश होगा कि नहीं होगा. तो बेटर ये रहेगा CIs करके तीनों के CIs एक जगह लिख दो, ओके? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत बताओ. सॉरी, ऑल गुड. पार्ट डी में आते हैं. पार्ट डी में क्या कह रहे हैं, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, मतलब बीटा वन और बीटा टू के सिग्निफिकेंस पे आपको कमेंट करना है यूजिंग ईदर द कॉन्फिडेंस इंटरवल और अदर स्टेटिस्टिक्स, ठीक है? तो देखो यहाँ पे दो चीज यूज कर सकते हो, या तो आप एक कॉन्फिडेंस इंटरवल देख सकते हो. कॉन्फिडेंस इंटरवल में अगर जीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, जीरो नहीं आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है. क्यों? क्योंकि याद करो हम एक टेस्ट करते थे, बीटा इक्वल जीरो का टेस्ट करते थे ना, बताओ हाँ कि ना? yes. है ना? तो उस टेस्ट में या तो आप इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में देख के बता सकते हो, क्योंकि ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में अगर जीरो आ रहा है तो इनसिग्निफिकेंट, जीरो नहीं आ रहा है तो सिग्निफिकेंट, या फिर आप सेम टेस्ट यहाँ भी परफॉर्म होता है तो इस पी वैल्यू को देख के भी बोल सकते हो. तो ये पी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट इट इज सिग्निफिकेंट. जजेस वाला ऑडियंस very much greater than 5%, hence it is not significant. Is that clear? Tell me guys, any questions? Sir, judges wale mein zero nahi lie kar rahe, isme to wo significant hai. Exactly. Okay sir. ठीक है, क्योंकि beta equal zero का null hypothesis reject हो जाएगा ना. Yes sir. तो beta equal zero reject हो रहा है. तो इट इज सिग्निफिकेंट, ओके? चलो यू कैन यूज ईदर ऑफ द टू थिंग्स टू कंक्लूड हियर कि जज सिग्निफिकेंट है, ऑडियंस सिग्निफिकेंट नहीं है, ओके? चलो द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट द क्वेश्चन, ये रहा पार्ट 5. यू पब्लिश्ड द रिपोर्ट शोइंग द अबव रिजल्ट्स एंड रेफरेंस डेटा ऑन योर रिसर्च वेबसाइट. After few months, a journalist accused the dance show of ignoring audience goals and cited your report. अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा audience में तो मतलब क्या ही है, मतलब significant ही नहीं है, तो आप audience को ignore कर रहे हो, केवल judges के basis पे कर रहे हो. The sponsors of dance shows
stated that incomplete data is used for analysis as audience scores dependent upon number of audience provided upon the number of audience provided scores. They shared supplement data providing the number of audience for each participant. अब ये कह रहे हैं, अब हम आपको incorrect data मिला analysis के लिए, incomplete data मिला. हमारे हम मतलब ऑडियंस के डेटा को कितना वेटेज देते हैं डिपेंड्स कि कितने ऑडियंस बैठे थे, है ना. तो अब वो काउंट ऑफ ऑडियंस दे रहे हैं, यूजिंग द फॉलोइंग कोड टू लोड द नंबर ऑफ ऑडियंसेस फॉर 20 कंटेस्टेंट्स. तो ऊपर भी 20 कंटेस्टेंट्स थे क्या, एक बार देख लो. डोंट रिमेंबर, 20 कंटेस्टेंट्स थे. हर बार के लिए आपको दे दिए कि कितने कितने ऑडियंस के मेंबर्स थे, ठीक है. तो ऑडियंस डॉट काउंट कर दिया और फिर कह रहे हैं ऑल्सो वेरीफाइड द टोटल काउंट इज इक्वल टू 2090. तो टोटल काउंट कैसे निकालोगे बताओ, ऑडियंस डॉट काउंट को यूज करके. चलो मैं अगर ये ले आया, कौन सा पार्ट है, पार्ट 5, ऑडियंस डॉट काउंट ये ले आया मैं. तो टोटल काउंट कैसे निकालेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करोगे? सम, सम ऑफ ऑडियंस डॉट काउंट करोगे, राइट. तो आई विल जस्ट पुट सम ऑफ ऑडियंस डॉट काउंट 2090 हो गया अपना वेरीफाई. पार्ट 6 में क्या कह रहे हैं, compute the new audience score by dividing the sum of audience score provided by the audience, that is audience ऊपर में अपने data frame में audience वाला column, with the audience count, जो audience dot count है. Store as audience 2 and make sure to attach to the dance data. Please don't paste audience 2 values. तो ये क्या कह रहे हैं, इस audience 2 को एक नया variable बनाओ, ठीक है, और that is the division of the 2, और उसको dance वाले data frame में एक column की तरह add भी कर दो, ठीक है. तो कैसे करोगे, देखो सर, ऑडियंस 2 विल बी ऑडियंस डॉट काउंट डिवाइडेड बाय 20. करेक्ट, डिवाइड नॉट बाय 20, डिवाइड बाय ऑडियंस. नहीं नहीं देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको एवरेज स्कोर निकालना है हर ऑडियंस मेंबर का. तो आप क्या करोगे, शुरू वाला स्कोर दैट इज डांस डॉलर ऑडियंस व्हिच वाज दिस, देखो डांस डॉलर ऑडियंस इज डिवाइडेड बाय ऑडियंस डॉट काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पर ऑडियंस मेंबर कितना स्कोर मिला हर पार्टिसिपेंट को, ठीक है. ये तो यहाँ पे क्या हो जा रहा था, फॉर एग्जांपल इस केस में ज्यादा ऑडियंसेस थे तो सम ऑफ स्कोर्स तो ज्यादा होगा ही ना, तो अनफेयर हो रहा था एनालिसिस, हाँ कि ना बताओ सर. व्हाट वी आर डूइंग इन सिक्स्थ पार्ट, कैन यू एक्सप्लेन अगेन. हाँ, अब देखो इन्होंने क्या कहा है, दे हैव टोल्ड यू दैट जो पहले एनालिसिस था वो गलत था, क्योंकि ऑडियंस के जो स्कोर्स था उसमें ऑडियंस का स्कोर्स का टोटल सम था. अब समझो स्टूडियो में शूटिंग हो रही है, ऑडियंस आया है, किसी दिन 50 लोग आए, किसी दिन 60 लोग आए, किसी दिन 40 लोग आए, किसी दिन 100 लोग आए. अगर मैं हर बार सबका सम ले लूंगा और सारे कंटेस्टेंट को कंपेयर करूंगा, बताओ सही है कि नहीं, सही है क्या? नहीं, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑडियंसेज आर चेंजिंग एवरी डे, राइट. मुझे क्या करना चाहिए, पर ऑडियंस स्कोर लेना चाहिए, है ना, पर पर्सन स्कोर लेना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, टोटल स्कोर, टोटल ऑफ सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल करूंगा, हाँ कि ना, यस सर, है ना. तो वही यहाँ कर रहे हैं, ऑडियंस डिवाइडेड बाय ऑडियंस डॉट काउंट, ओके. देखो उन्होंने लिखा भी है, कंप्यूट द न्यू ऑडियंस बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ स्कोर प्रोवाइडेड बाय ऑडियंस, जो आपका डॉलर मतलब डबल कोट में ऑडियंस लिखा है, विद ऑडियंस काउंट व्हिच इज ऑडियंस डॉट काउंट लिखा है ना, समझ आया, बताओ कोई भी दिक्कत, ओके. सो ये अपना है, बट अपने को इसको स्टोर करना है अपने इनिशियल डेटा फ्रेम में जिसका नाम है डांस. तो मैं डांस डॉलर ऑडियंस टू, इन्होंने नाम भी हमें दे दिया ऑडियंस टू, ऑडियंस टू में स्टोर करना, ठीक है, डांस डॉलर ऑडियंस टू में अपने ये स्टोर करेंगे, ठीक है. अब ये आ गया, नाउ परफॉर्म अ कोरिलेशन टेस्ट टू चेक वेदर एनी कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द फाइनल स्कोर एंड द न्यू ऑडियंस स्कोर. कौन सा फंक्शन यूज करोगे कोरिलेशन निकालने के लिए, टेल मी गाइस व्हाट फंक्शन, परफेक्ट, फॉर ऑफ दो वेरिएबल किस ऑर्डर में वहां पे लिखा है, एग्जैक्ट उस ऑर्डर में यहाँ पे लेंगे अपने. तो डांस डॉलर फाइनल and dance dollar audience 2 0.756, so there seems to be a positive correlation between the two, right, and it is pretty high, yes or no, 0.756 aa raha, right. agar yahan tak apna ho gaya, dekho ab
एक ही पार्ट बाकी है, एक दो पार्ट ही बाकी है, फिट अ न्यू मल्टीपल लीनियरशिप मॉडल विथ फाइनल जजेस रिस्पॉन्स एंड जजेस अ न्यू ऑडियंस एज अ एक्सप्लेनेटरी, स्टोर दिस एम टू एंड शो द समरी ऑफ द आउटपुट, यूज सूटेबल स्टैटिस्टिक फ्रॉम 4B and 8 एंड कंपेयर द मॉडल एम वन एंड एम टू एंड टेल विच इज बेटर. ओके चलो कर लेते हैं पार्ट 8 and 9. बस 8 में तो बना के समरी लिखनी है, राइट, एंड विल देन कंपेयर, मे बी एडजस्टेड आर स्क्वायर यूज करके वी कैन कंपेयर वेरी वेल, या आर स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों में सेम है, राइट. सो लेट्स फाइंड, पहले लेट्स फर्स्ट डिक्लेयर एम टू एल एम ऑफ फाइनल फॉलोज वॉट, जजेस तो रहेगा ही, जजेस प्लस ऑडियंस टू, दिस टाइम ऑडियंस टू कॉमा डेटा इक्वल्स डांस, ठीक है. सो आई हैव गॉट दिस एम टू, मैं समरी ऑफ मॉडल टू ने भी निकाल लूंगा एम टू, ठीक है. तो यहाँ पे देखो अपना आर स्क्वाड आ रहा है 92.07, और अगर मैं समरी ऑफ एम वन में जाऊँ तो आ रहा है 66.01. तो कौन सा मॉडल बेटर है बताओ? टू. आप आर स्क्वाड एडजस्टेड आर स्क्वायर दोनों यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मॉडल टू इज अ बेटर फिट. इज दिस क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चंस टेल मी, कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत है तो बताओ. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ऑल गुड. परफेक्ट. We've been at it for 2.5 hours, yeah. So let's call it a day for now, yeah.